राजकुमार राव ने दिया फैंस को तोहफा। अपने बर्थडे पर किया अपनी अगली फिल्म का ऐलान। बॉलीवुड में इन दिनों कई नई जोड़ियां सामने आई हैं। इस साल बहुत सी जोड़ियों ने बड़े पर्दे पर धमाल मचाया है, तो कुछ जोड़ियां धमाल मचाने वाली हैं। इस लिस्ट में राजकुमार राव और नुसरत भरूचा का नाम भी शामिल हो चुका है। जल्द ही राजकुमार राव और नुसरत भरूचा की जोड़ी तुर्रम खान में देखने को मिलेगी। इसका ऐलान हाल ही में मेकर्स ने एक तस्वीर शेयर करते हुए किया था। हंसल मेहता ने राजकुमार और नुसरत संग ये फोटो शेयर कर अनाउंसमेंट की थी। इस फिल्म की कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे की है। राजकुमार राव और नुसरत भरूचा पहली बार तुर्रम खान में एक दूसरे के अपोजिट नजर आएंगे। ये एक कॉमेडी फिल्म होगी, लेकिन तब इस फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस नहीं की गई थी। लेकिन राजकुमार ने अपने बर्थडे पर अपने फैंस को अपनी फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस कर दिया स्पेशल गिफ्ट। तुर्रम खान 31 जनवरी 2020 को रिलीज की जाएगी। तभी नुसरत और राजकुमार की जोड़ी सिल्वर स्क्रीन पर छाएगी। राजकुमार राव ने डायरेक्टर हंसल मेहता के साथ 5 फिल्मों में 7 काम किया है। साथ ही खबर मिली है कि फिल्म तुर्रम खान के बाद राजकुमार राव मौनी रॉय के साथ फिल्म मेड इन चाइना में नजर आएंगे। फिल्म में राजकुमार गुजरात के एक बिजनेसमैन के रोल में दिखेंगे, तो वहीं मौनी उनकी वाइफ का रोल प्ले करेंगी। फिल्म का निर्देशन मशहूर निर्देशक निखिल करेंगे। राजकुमार का दिया गया स्पेशल गिफ्ट आपको कैसा लगा, इसे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें।